दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वायर स्ट्रिपिंग मशीन का जो बिजनेस है वो हमें किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस किस चीजों की हमें जानकारी लेनी है, किस किस बातों का हमें ध्यान रखना है। तो मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। तो जो लोग नया स्टार्टअप करना चाहते हैं वायर स्ट्रिपिंग मशीन का और अभी बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, नए हैं या कुछ जॉब वगैरह छूट गई है या कहीं से नौकरी छोड़ करके अपना बिजनेस करना चाहते हैं और उनको इसी बिजनेस के बारे में ABCD वगैरह का कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे और मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग के लिए आपको कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी या आपको कितना बैलेंस अपना बना के रखना है ताकि आप ये बिजनेस आपको कर सको इसको। तो वायर स्ट्रिपिंग मशीन में सबसे पहले जो हमारे पास इंपोर्टेड चीजें होती हैं, एक स्क्रैप, एक मशीन। ये दो चीज लोग सोच के चलते हैं कि भाई हमें स्क्रैप लेकर आना है, मशीन से निकालेंगे और हम बेच देंगे। सबसे पहले जो YouTube पर और बहुत सारी वीडियो हैं, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग वीडियो वगैरह डालते हैं, तो उन लोगों को देख करके उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हम कल से मार्केट जाएंगे, स्क्रैप लेकर आएंगे और एक मशीन परचेज कर लेंगे और इधर से फिर हम स्क्रैप अपना रिसाइकलिंग करके और उसको बेचकर बहुत अच्छा से अर्निंग कर लेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से पैसे कमा लेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल बेकार बातें हैं जो भी लोग बोलते हैं। बिजनेस है लेकिन एकदम से ये ऐसा नहीं है कि इतनी ज्यादा अर्निंग आपकी शुरू कर दे, पैसा बनाना शुरू कर दे कि आप बहुत कुछ कर सकें। तो जो लोग कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, वो आज शुरू करें कल से पैसा बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन जो लोग नए हैं, जो जॉब छोड़कर आए हैं, कोई अपना अकाउंटेंट का काम कर रहा है, कोई बेचारा किसी और फील्ड में है, कोई कपड़े की फील्ड में है और उसको स्क्रैप के बारे में ABCD भी नहीं पता, तो मैं आज आप सबको बताऊंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोगों को स्क्रैप चाहिए होता है और स्क्रैप को हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि स्क्रैप में क्या चीज है, मतलब रिकवरी किस किस टाइप की है। बहुत सारे तरह के वायर हैं, बहुत सारे तरह की रिकवरी होती है उसी तरीके से। तो जो नए लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, मैं ये वीडियो आज स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले अपने यहाँ मार्केट में निकले, जो लोकल वगैरह की मार्केट होती है। ऐसा नहीं तुरंत के तुरंत आप लोग ढूंढने लगते हो कि भाई ऑनलाइन माल परचेज कर लेते हैं या कहीं बड़ी मंडी में चले जाते हैं, वहां से हम लोग माल ले आएंगे, तो वो लोग सबसे गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। जैसे और लोग वीडियो में समझाते भी हैं और बताते हैं कि भाई आप मार्केट चले जाओ, आप अलंग मार्केट चले जाओ, आप सीलमपुर मार्केट चले जाओ, आप कलकत्ता की मार्केट चले जाओ, तो वो सब बेकार की चीजें हैं, उनसे आपको फायदा होने वाला नहीं है, नए लोगों के लिए स्पेशल। तो आप सबसे पहले अपने यहाँ पर लोकल कबाड़ी वगैरह वाले जो होते हैं उनको देखें, उनके पास जाएं, उनके वहां आप ये देखिए आपको मटेरियल मिल रहा है, कैसा मिल रहा है कैसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप 100 200 किलो सॉरी 1 किलो 2 किलो 3 किलो जैसा भी थोड़ी क्वांटिटी मिलता आप लेकर के उसको आए। और उसको मैं ये नहीं कहता आप मशीन खरीदे तुरंत के तुरंत, आप हाथ से छील सकते हैं, है ना। छोटी छोटी बहुत सारे टूल्स वगैरह आते हैं कि आप वायर, भाई 1 किलो वायर छीलना है, ज्यादा नहीं छीलना। वैसे रिकवरी आप 100 ग्राम से भी पता कर सकते हैं। एक इस तरह का डिजिटल कांटा खरीद लें ताकि आप वेट करके आप इसको देख सकें। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह का मटेरियल ले आए, अपना निकाल करके रिकवरी चेक कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। दूसरी बात, अब कि ये लोग पूछते हैं भाई हम लाएं कैसे, या वो लोग जला देते हैं या देते नहीं है, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, जो जलाने वाले लोग हैं उनको आपने सेटिस्फाई करना, आपने उनको समझाना है कि भाई जितना भी माल आप बेच रहे जला रहे हो, जितने भी अमाउंट का आपका बन रहा है या कॉपर आपका जो रिकवरी आ रही है निकल के, वो इतने पैसे की आ रही है, वो पैसा आप हमसे ले लो, उतना ही। आप जलाने से बच गए, आप पुलिस प्रशासन से बच गए, है ना, और पोल्यूशन वगैरह करने से बच गए आप, वो भी तो गलत ही हो रहा है ना। तो बहुत सारी चीजों से आप बच जाते हो, अगर जलाने वाले लोगों को आप समझाते हो तब, तो वो आपको वहां से भी माल मिल जाएगा। दूसरा, अब आप इस लाइन में जब घुस रहे हैं तो हर फील्ड का एक अपना काम होता है। मैकेनिक होता है तो उसकी मैकेनिक जैसी सोच होती है, उसको हर गाड़ी में यही नजर आता है कि ये गाड़ी कैसी है, इसका इंजन कैसा है, इसमें क्या क्या हमारे औजारों की यूज होती है। और ऐसे ही कपड़े वाला होता है ना, वो कपड़े को पकड़ पकड़ के चेक करता रहता है। तो हर फील्ड का ये नेचर होता है अपना, हर बंदे का। तो जब आप स्क्रैप लाइन में घुस रहे हो तो आपकी नजर भी ऐसी होनी चाहिए, हर जगह आपको वायर ही नजर आना चाहिए और आपके दिमाग में ये चलता रहना चाहिए भाई ये वायर पड़ा है इसके अंदर ये रिकवरी है, ये वायर है तो इसके अंदर ये रिकवरी है, डिस्का वायर है तो इसके अंदर यार ये चीज निकलती है, है ना। दूसरी सोच भी कबाड़ियों वाली बनानी पड़ती है कि आप कहीं भी जा रहे हो आपकी निगाह में स्क्रैप नजर में बस हर टाइम ये होना चाहिए भाई स्क्रैप पड़ा है स्क्रैप ले लेते हैं, है ना। किसी काम से जा रहे हैं आपने स्क्रैप देखा स्क्रैप पड़ा है, हालांकि आप किसी और काम से जा रहे हैं लेकिन आपका स्क्रैप का काम है और आपको निगाह में आगे की फला जगह स्क्रैप पड़ा हुआ है, पूछते जाएं उससे। इस लाइन में अगर घुसना है और ये बिजनेस करना है तो सबसे पहले तो शर्माना छोड़ना होगा कि यार मैं स्क्रैप लेके जाऊंगा कोई क्या बोलेगा। तो इसमें सबसे पहले ये सब चीजें आपको काम करनी पड़ेंगी, तब आपको हाथ जाकर के स्क्रैप लगेगा, फिर आपको स्क्रैप में
रिकवरी, जैसे मैंने आपको बताया, रिकवरी की सबसे पहले जानकारी आप अपने घर में ही शुरू करें रिकवरी की, कि रिकवरी किस में कितना है, कैसे है, ये अच्छे से आप लोग चेक करते रहें। और अगर आप इस पे 1-2 महीने आपने मेहनत कर ली, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझसे पूछने से बेहतर आप मुझे बताने लगेंगे कि इसमें इतनी रिकवरी है। हालांकि मैं लोगों को बताता हूं कि भाई इसके अंदर ये रिकवरी है, इसके अंदर ये रिकवरी, कुछ जगह पे मैं परफेक्ट भी होता हूं, कुछ 19-20 हो भी जाता हूं मैं भी, ऐसा नहीं है, कहीं 15-20 भी हो जाता हूं कई दफे कोई कंफ्यूजन में या कोई गलत डिसीजन, और बहुत सोच समझ के ये बताना भी पड़ता है और बहुत ध्यान देना पड़ता है इन सब चीजों पर। तो ये आपके लिए मैं स्पेशल बता रहा हूं कि आप अपने घर में जितने अच्छे से आप इस पर स्टडी कर लेंगे, आप अपने घर में जितने भी अच्छे से आप इसकी रिकवरी वगैरह चेक कर लेंगे, आपको कहीं भी मंडी में जाकर खड़े हो जाएंगे, कोई नुकसान देने वाला नहीं है। हर वायर के बारे में आपको पता होगा, हर वायर कंपनी के वायर में ये निकल रहा है या लोकल में निकल रहा है, आप तुरंत बता देंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये सब चीजें चलती रहनी चाहिए, है ना, जिस बिजनेस में आप उतर रहे हैं उस बिजनेस के बारे में ही आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थे नए बिजनेस वालों के लिए, वायर परचेज करने वालों के लिए, जो मेरे मतलब जहन में आए थे कि भाई कुछ इस तरीके से लोग अगर करें तो उनको फायदा होगा, तो मैंने सोचा शेयर करूँ आप लोगों के साथ में। और बाकी मेरी मैंने जो टिप्स वगैरह दिए, मतलब कैसे लगे, पसंद आए, नहीं आए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, कमेंट में बताया भी करो, और जो लोग काम कर रहे हैं या नहीं हो पा रहा है वो लोग भी कमेंट में बताया करो, कम से कम हम लोगों को मालूम तो चले कि हम मेहनत कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो वो कितनी कारगर हो रही है, या कुछ चीजें मैं किसी और तरीके से काम करती हैं तो वो भी थोड़ा सा मेरे साथ साझा करें, ताकि मैं और लोगों तक भी आपकी बात पहुंचाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चीज के साथ में, आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।